तो इसको आप फेल सब जा पाए तो आपको बाहर नहीं सब छोड़ा सकेंगे मैं। सब सब जेल डिक्लेयर किया हुआ है ना, हाँ। सर डीसी तो से हम बात जाहिर इस्लाम आबाद कैसे गिलगित बल्तिस्तान है उसको सब जेल करार दे सकते हैं? क्या और कर ये रहे क्या गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तोहीन नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान ओहो हो तो ही किस चीज की तोहीन? गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला को यहाँ पे ये इस्लामाबाद में पूरा जो दरख्वास्त कुछ करनी हो रहा है ये तोहीन नहीं है। पड़ेगी? अलिफ से ये तक यहाँ कौन सा इज्जत है तो जिसकी तोहीन सर होती है? बाकी तमाम हिस्सों की एक अलग हैसियत है, गिलगित कौन सी बल्तिस्तान हिस्से की और हैसियत? आजाद जम्मू किसी भी कश्मीर। हिस्से की हैसियत नहीं, ना आप किसी की है, ना बलूचिस्तान की है, ना फ्रंटियर की है, ना अच्छा पंजाब की है, किसी की भी इज्जत नहीं है। कि आप देखे इज्जत हो सकता है, इज्जत इंसान खुद अपनी बना दे, ठीक है। हालात ऐसे हैं कि कोई अपनी इज्जत खुद बना भी नहीं सकता है। इस मुल्क के अंदर बेइज्जत होके ही सर जीना जीपी का एक अलग है। सेटअप है, इलेक्शन अलग होते हैं, सारा निजाम अलग है, कैसे इस्लामाबाद पुलिस जीपी को सब जेल करार दे सकती है? तो जीपी पर कब्जे किया है पूरे 28,000 मुरूमी में, तो इसकी क्या हैसियत है छोटी सी चीज का? किसने कब्जा किया सर जीपी के ऊपर? सर ये तो आपके ऊपर किसने किया है? सर ये तो जज्बाती गुफ्तगू है, लेकिन इस दूसरी जानब ये सवाल तो जानब ये जो मेंबर असेंबली को ये कह रहे हैं दिया जा रहा। देखो मैं मेंबर असेंबली हूँ इसलिए तो मैं वजीर आला नहीं हूँ, यहाँ इज्जत नहीं है इसलिए मैं वजीर नहीं हूँ, यहाँ कोई वक्त नहीं है, मैं हुकूमतों में नहीं हूँ इसकी का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं अवाम का केस लड़ता हूँ, मैं खाली मेंबर हूँ 15 साल से, ठीक है। अब मजीद में क्या क्या करना जिस है? अवाम ने मुंतखब किया उसी के इदारे को सर उसी के वजीर आला को सब जेल करार दे के नजर बंद करना क्या अवाम की तोहीन नहीं है? तो अवाम की तो 24 घंटे वोटों से मुंतखब 1947 में अवाम की तोहीन नहीं हुई है, 71 में नहीं हुई है, कौन सा साल है जिसमें अवाम की तोहीन न हुई हो? अच्छा नाजी साहब एडमिनिस्ट्रेटिवली दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ कोई अलग अलग हैसियत नहीं होती है, ताकत के सामने सब बराबर होते हैं, ये आईन वाइन ये सर ये ताकत किसकी है आप बता दें? ताकत बंदूक की है, अगर मेरे पास हो तो मेरी भी ताकत किसकी है? किसके पास है? जिसके पास भी है आप बंदूक ला के करे ताकत बनाए। अच्छा नाजी साहब मुझे छोड़ दो।